हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के बारे में। एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर की हेल्प से, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हम इसको दो वर्ड में समझेंगे कि ट्राइजेमिनल क्या होता है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो क्या है, एंड न्यूरेल्जिया क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि न्यूरेल्जिया क्या होता है। ये एक तरीके का नर्व पेन होता है, बहुत ज़बरदस्त भयंकर पेन होता है। क्या होता है कि हम सभी लोग एक कॉमन सी चीज़ जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, हमारे जो भी एक्शंस हैं, सपोज़ हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल पहुँचाती हैं कि किसी गर्म चीज़ को टच किया, और हमारा जो ब्रेन है वो फौरन हमें एक एक्शन बताता है और हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। ये मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताया। अगर वो हमारे हाथ पे हो रहा है, हमारे पैर में कहीं टच हुई कोई गर्म चीज़, या कुछ चुभ गया, या हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी कोई चीज़ टच हो जाए या कोई चीज़ चुभ जाए हमारे, या कहीं कोई पेन हो, तो वो किस तरह से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये सारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं एंड ब्रेन हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमें उस समय क्या एक्शन करना है, राइट? तो ये तो हुई नर्व सप्लाई, जो हमारे ब्रेन के थ्रू बॉडी में एक्सटर्नल बाहर की तरफ और इंटरनल हमारे हर ऑर्गन को हो रही है ये सप्लाई। तो किसी भी वजह से अगर कोई एक नर्व दब जाती है तो वो जिस ऑर्गन को सप्लाई पहुंचा रही थी उस ऑर्गन में पेन होना शुरू हो जाता है, राइट? उसको हम कहते हैं न्यूरेल्जिया। आई थिंक अब आप न्यूरेल्जिया वर्ड को समझ चुके होंगे। नर्व पेन होता है और जिस वजह से होता है वो मैंने आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्राइजेमिनल नर्व क्या होती है, राइट? हमारे ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एंड डिफरेंट ऑर्गन्स में नर्व सप्लाई करती हैं, और ये पेयर में होती हैं, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों साइड पेयर में ये होती हैं। तो कुछ नर्व्स तो होती हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं, कि जैसे हमारी स्किन हुई, हमारा नेज़ल, हम स्मेल कर रहे हैं, आँखों से कुछ देख रहे हैं, या हमारे ब्रेन को जब हम कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई साउंड सुन रहे हैं तो उसके भी सिग्नल्स हमारे ब्रेन को पहुँचते हैं। तो कुछ नर्व तो इस तरह के वर्क करती हैं, सेंसरी वर्क करती हैं, और कुछ नर्व्स होती हैं जो मोटर वर्क करती हैं। मोटर वर्क कैसे, कि हम चल रहे हैं, हम अपने हाथों से किसी सामान को उठा रहे हैं, इस तरह के जो काम हैं वो मोटर वर्क कहलाते हैं, ठीक है ना? तो कुछ नर्व्स सेंसरी वर्क करती हैं और कुछ मोटर वर्क करती हैं, लेकिन जो ये ट्राइजेमिनल नर्व है ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट नर्व है और ये सेंसरी और मोटर दोनों वर्क करती है। अब इसका एरिया कौन सा है, ये हमारे फ्रंटल एरिया पे, हमारे चीक वाले एरिया पे और हमारी जॉ लाइन तक ये नर्व दोनों तरफ से आ रही है, और तीन पार्ट में, ट्राई से हम समझ रहे हैं कि तीन, ट्राइजेमिनल नर्व, राइट? अब आप इस बात को आई थिंक पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। तो जब इस नर्व में कोई कंप्रेशन आता है या कोई प्रेशर क्रिएट होता है तो उस पर्सन के पूरे फेस पे थ्रोम्बिंग पेन, मतलब कि जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो, या हम इसको एक दूसरा एक्सप्रेशन में आपको बता सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो किसी को, बहुत चुभन, बहुत जलन वाला अनबियरेबल पेन होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और वर्ल्ड में जो बहुत ज़्यादा भयानक और पेनफुल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक प्रॉब्लम है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। अब हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि उसमें किसी भी वजह से कोई कंप्रेशन आ जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब ये कंप्रेशन किस वजह से आ जाए, कि कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई ब्रेन में ट्यूमर या कोई और ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है
उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि क्या सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हवा का कोई झोंका लगा तो उसकी वजह से भी फेस पे भयंकर पेन होने लगता है, या हम ब्रश कर रहे हैं, अपने फेस को पानी से धो रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने में भी, या कुछ खा रहे हैं तो चबाने में, क्योंकि ये जॉ मसल्स भी सब इससे इफ़ेक्ट होती हैं। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हुए हमारे फेस पे फेशियल नर्व्स जितनी भी हैं उनमें पूरे फेस पे अनबियरेबल पेन होता है। तो ये तो हुए कुछ सिम्टम्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर की हेल्प से। हम इस ट्रीटमेंट को करेंगे ब्योल मैग्नेट की हेल्प से। क्या होती हैं ब्योल मैग्नेट? छोटी छोटी सी राउंड मैग्नेट होती हैं, एक तरफ से वाइट होती हैं एंड एक तरफ से येलो कलर की होती हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जब हमें एनर्जी को कहीं घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, वाइट कलर को स्किन पे टच कराते हैं। अब हम कैसे वाइट कलर को स्किन पे टच करा पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम सर्जिकल टेप पे मैग्नेट को इस तरह से लगाएंगे कि वाइट वाला पार्ट दिखाई दे हमें जब हम लगाने चल रहे हैं टेप, राइट। अब मैं आपको पॉइंट की लोकेशन बताऊँगी। पॉइंट की लोकेशन है इंडेक्स फिंगर पे। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? हमारी पहली फिंगर जो होती है उसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। टुवार्ड्स थंब, अंगूठे की तरफ ये पॉइंट हमें मिलेगा, जो सबसे ऊपर वाला हमारा जॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे, ये इसकी लोकेशन है LU7। ये हमें लेफ्ट हैंड में भी मिलेगा एंड राइट हैंड में भी मिलेगा। पाम की साइड, जिसको कि हम यिन साइड कहते हैं एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना होगा प्रोब की हेल्प से। हम क्या करेंगे, इस तरह से प्रोब को पकड़ेंगे एंड उस पॉइंट पे स्टिमुलेट करेंगे 4 से 5 बार। स्टिमुलेट का मतलब हुआ कि हम उस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, राइट। इसी तरह से लेफ्ट हैंड में और इसी तरह से राइट हैंड में भी करेंगे। अब हम सर्जिकल टेप पे मैग्नेट को इस तरह से लगा लेंगे और प्रेशर देते हुए हल्का सा हम इसको उस पॉइंट पे अप्लाई कर देंगे। हमें ब्लैक कलर नहीं लगाना है। ये ब्लैक कलर मैंने आपको सिर्फ आप उसको समझ सकें पॉइंट की लोकेशन, इसलिए लगाया था। इसी तरह से राइट हैंड में भी हम उसको स्टिमुलेट करेंगे और पॉइंट को लगा लेंगे। अब इसकी जो ड्यूरेशन है पॉइंट को लगाने की, हम सारी रात लगाए रखें, मतलब जब हम सोने जा रहे हैं तब इस ट्रीटमेंट को लगा लें एंड सुबह हटा दें। 8 से 10 घंटा हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। हमें इसको साल 6 महीना तक लगाते चले जाना है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताऊंगी, उसमें ये हमने सिंगल पॉइंट कवर कर लिया। अब क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे इस पॉइंट की पावर को बढ़ाएंगे, तो मैं आपको एक पॉइंट और अलग से बताना चाहूँगी। वो ऑप्शनल है, इट्स योर चॉइस, आप यूज़ करें ना करें। ND3 नर्व डीजनरेशन 3 पॉइंट जो है वो हमें यहाँ मिलेगा, जब हम ये जो इंडेक्स फिंगर के पीछे ये जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उससे जब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ पर एक हमें पिट मिलेगा, वो बोन में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर ही होगा, राइट। उसको हमें हल्का सा प्रेशर देके स्टिमुलेट करना है एंड जो मैंने आपको बताया वहाँ प्रेशर देंगे एंड ये मेथी दाना फेन्यूग्रीक सीड एक हम टेप पे लगाएंगे, सर्जिकल टेप पे, एंड इसको जो मैंने आपको लोकेशन बताई, मैं इसको पिक्चर में भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसको लोकेट कर सकें ईजीली। इसको आप लगा लीजिए लेफ्ट हैंड में भी एंड इसी तरह से इसको ढूंढिए यहाँ पर बोन के पीछे और इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जो ये ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया है ये अक्सर कर 40 या 50 की एज के बाद ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो उस एज में क्या होता है, हमारा नर्व डीजनरेशन भी शुरू हो जाता है समहाउ एजिंग की वजह से भी। तो हमें अगर हम ये ND3 पॉइंट को एवरीडे मेथी लगा कर रखेंगे तो वो जो एक डीजनरेटिंग प्रोसेस है वो भी समहाउ स्लो हो जाएगा। तो ये पॉइंट टोटली ऑप्शनल है पर मेरे हिसाब से बहुत इफ़ेक्टिव और यूज़फुल भी है ये।
तो हम LU7 पॉइंट को भी लगाएं एंड ND3 को। इसको लोकेट करने के लिए मैं एक पिक्चर इमेज दिखा रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। आपके पास अगर ये ब्योल मैग्नेट्स हैं तो आप उन्हें यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें इनका। अगर नहीं है और आप लेना खरीदना चाह रहे हैं इनको, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाया है जिसमें कि उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिनकी कि हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट के दौरान। मैं यहाँ नीचे एक लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो में मैंने उन सभी चीज़ों का सिग्निफिकेंस भी बताया है। जितने भी लोग किट ले रहे हैं हमसे, उनका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इनको यूज़ कैसे करें, तो आप अगर उस वीडियो को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन डिफरेंट मैग्नेट्स का, उन बॉल्स का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप इस किट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल एड्रेस मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको वहाँ जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने नियर डियर्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिस पर्सन को भी ये प्रॉब्लम है उसकी लाइफ हेल बन जाती है बिल्कुल। इसको एक, मैं अभी पिछले दिनों कहीं आर्टिकल में पढ़ रही थी कि इसको एक सुसाइडल डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि पर्सन इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी लाइफ से, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि मैं सुसाइड कर लूँ और इस पेन से छुटकारा पाऊँ। आप मेरा पेज फेसबुक पर भी लाइक कीजिए, वहाँ भी ये डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।